अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिज़वी किचन। कैसे हैं आप सब? रिज़वी किचन में टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द वेरी फेमस कोफ्ता बिरयानी रेसिपी, जिसे हम कोफ्ता मटर पुलाव भी कहते हैं। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अमेजिंग रेसिपीज, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो इंग्रेडिएंट चाहिए बिरयानी के लिए वो ये हैं। सबसे पहले मैंने मटन मिंस लिया है 1/2 kg, 5 से 6 ग्रीन चिलीज, 1/2 teaspoon मैंने लिया है जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली, गरम मसाला एंड सॉल्ट टू टेस्ट, कुछ बे लीव्स, बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक्स, 2 tablespoon रोस्टेड बेसन, 3 tablespoon के करीब जिंजर गार्लिक ऑयल चाहिए, 4 मैंने अनियन पेस्ट लिया है, 2 मीडियम साइज्ड अनियन स्लाइस्ड की हैं, एंड 1 tablespoon मैंने कौरमा बनाने के लिए मसाले लिए हैं, एंड 1 kg राइस जिसे मैंने सोक किया है, एंड 1/2 kg मटर। सो जितने भी मसाले हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कोफ्ता बनाना है, उसके लिए मैंने जो मिंस है, जो कीमा है, उसमें बेसन ऐड किया ना, 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे एंड 1 teaspoon अनियन पेस्ट। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ निकाल के रखे हैं क्योंकि हमें कौरमे के लिए भी चाहिए। नाउ जो कोफ्ते के मसाले थे, 1/2 teaspoon है ये सारे मसाले, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट टू टेस्ट है, मैंने 1/2 teaspoon लिया है। देखें तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और जब तक हम कौरमे के लिए मसाला भून लेते हैं। सो तकरीबन 4 tablespoon ऑयल मैंने लिया है। नाउ इसमें हम ऐड करेंगे 2 bay leaf, 2 बड़ी इलायची ब्लैक कार्डमम और 2 से 3 लौंग और 1 inch के करीब सिनेमन स्टिक। सौते फॉर अ वाइल। नाउ इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस्ड अनियंस। सो 1 kg राइस की मैं बिरयानी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1/2 kg कीमा लिया है मटन का, आप चाहें तो बीफ का या चिकन का भी ले सकते हैं, एंड 1/2 kg ही मैंने मटर लिए हैं। सो अनियन को हमें अच्छे से ब्राउन करना है, और जब तक अनियन ब्राउन होती है हम कोफ्ते बना लेते हैं। बहुत ही डेलिशियस सी रेसिपी है ये, एंड डिफरेंट रेसिपी है। जनरली मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी हम बनाते हैं, बट दिस इज़ लाइक मटर कोफ्ता बिरयानी। सो एक डिफरेंट रेसिपी फॉर यू ऑल। देखें तो कोफ्ता का साइड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे या बड़े, जिस साइज़ के आपको रखने हैं। थोड़ा सा ऑयल या पानी लेंगे पाम पर, सो दैट कोफ्ते अच्छे से बाइंड हो जाएं। देखें सो इस तरीके से हम सारे ही कोफ्ते बना लेंगे। देखिए अनियन भी ब्राउन हो चुकी है ना, इसमें हम ऐड कर देंगे अनियन पेस्ट, एंड इसके बाद ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो 3 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट था टोटल, जिसमें से 1 teaspoon मैंने कोफ्ते में डाला। नाउ अब अच्छे से हमें इसे भून लेना है लाइट ब्राउन होने तक। देखिए सारे काम मैं साथ साथ कर रही हूँ, सो दैट आपकी बिरयानी जो है वो ज़्यादा टाइम भी ना ले, तो क्योंकि मसाला भुनने में टाइम लगता है। एंड नाउ हम साइमल्टेनियसली एक पैन में ऑयल हीट कर लेंगे कोफ्ता फ्राई करने के लिए, क्योंकि आप 1 by 1 करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। सो बाकी मसाले इसमें 1 tablespoon ईच है, सॉल्ट को छोड़ के, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, जिसमें ज़ीरा पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला एंड रेड चिली। सो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एंड नाउ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला हमारा अच्छे से कुक हो जाए।
सो बेसिकली ये कौरमा मसाला है जिसमें हम अभी मटर और जब कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे वो ऐड करेंगे। सो जस्ट कवर इट एंड लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक होने देंगे। एंड देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है, कोफ्ते हमारे आधे बन चुके हैं, तो तब तक हम आधे कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं बिरयानी की, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, इवन छोले बिरयानी, वेज दम बिरयानी एंड नाउ कोफ्ता बिरयानी। एंड जल्दी ही मैं एक बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। सो वो बिरयानी की रेसिपीज़ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखें सो कोफ्ते हमारे हमें अच्छे से ब्राउन करना है एंड लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। देखें सो है ना बहुत ही अमेजिंग सी एंड डिफरेंट सी रेसिपी। सो देखें कोफ्ते ब्राउन हो चुके हैं, वाओ, इन्हें हम निकाल लेंगे। एंड मसाला भी हमारा देखें अच्छे से कुक हो रहा है। सो सेकेंड राउंड ऑफ कोफ्ता फ्राई हो रहे हैं, एक बार मसाला चेक कर लेते हैं। देखें अच्छे से ब्राउन हो गया है, ऑयल सरफेस पे आ गया है। थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे एंड नाउ ऐड कर देंगे इसमें मटर। सो मटर पुलाव इज़ डिफरेंट, दिस इज़ कोफ्ता मटर बिरयानी, जो बिल्कुल बिरयानी टेक्निक से हम बना रहे हैं। अभी हम लेयरिंग भी करेंगे राइस में। सो अभी हमें मटर को अच्छे से गलने देना है, तो इसे लो फ्लेम पर हम छोड़ देंगे जब तक कि मटर 80% गल जाए। एंड नाउ राइस बॉईल करने के लिए मैंने एक बड़े पैन में लिया है पानी। ऐड करेंगे 2 से 3 बेल लीव्स और तकरीबन 15 से 16 लौंग एंड सॉल्ट। 5 टीस्पून में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 kg बिरयानी है। सो बेसिकली जो सॉल्ट है वो पानी में थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए टेस्ट उसका, ये ध्यान रखें। सो पानी को हम बॉयल होने देंगे एंड एक बार चेक करते हैं, मटर भी हमारे कुक हो गए हैं। 20% मटर को हम कुक नहीं करेंगे, लाइक 80% ही कुक करेंगे, थोड़ा खड़ा खड़ा सा रखेंगे क्योंकि दम करेंगे जब हम तब भी करेगा। नाउ इसमें ऐड कर देंगे हम कोफ्ते एंड जस्ट मिक्स इट। सो आप इस तरीके से खाली भी बना सकते हैं मटर एंड कोफ्ता करी। देखिए थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। नाउ ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज एंड दैट्स इट। थोड़ा सा लो फ्लेम पर हम इसको हल्का सा कुक करेंगे, जस्ट 2 to 3 मिनट फॉर फाइनल टच। एंड देखें पानी भी बॉयल हो चुका है। देखें सो कोफ्ता मटर कौरमा हमारा बेसिकली रेडी हो चुका है। एंड अब हम पानी में राइस ऐड कर देंगे, पानी बॉयल हो चुका है। सो बासमती राइस मैं यूज़ कर रही हूँ, बेसिकली कोहिनूर रॉयल का, बहुत ही अच्छा राइस है ये, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। एंड राइस को भी हमें सिर्फ 80% ही कुक करना है, 80 to like 85%। कहते हैं ना 2 से 3 कनी हमें राइस की रखनी है और स्ट्रेन कर देना है, तो इसे हम कवर करके बॉयल होने देंगे। देखें ऑलमोस्ट 85% राइस कुक हो चुका है, मैंने स्ट्रेन कर लिया और अब हम करेंगे इसकी लेयरिंग। सो पहले ऐड करेंगे 1 or 2 टीस्पून घी और ऑयल एंड नाउ एक लेयर लगाएंगे हम इस पे राइस की। मैंने पहले भी बताया है हैदराबादी चिकन बिरयानी में, इवन मटन बिरयानी में, कि लेयरिंग जब आप करें तो लेयरिंग पतली करें, ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे लाइक हाफ राइस डाल दिए, देन एक लेयर लगाई, देन हाफ राइस डाल दिए। आप लेयरिंग अच्छे से करेंगे तभी बिरयानी में सारी चीज़ें अच्छे से, उसका मसाला और वो टेस्ट जो है वो इन्हांस होगा। नाउ बिरयानी कलर थोड़ा सा
एंड देन इसके बाद इसके ऊपर लेयर करेंगे हम कोफ्ता और मटर की। देखें, वाओ, एंड बिलीव मी इट्स सुपरबली डेलिशियस। जनरली ये हम बनाते ही हैं, हमारे घर में बहुत बनती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, इवन मेरी सिस्टर्स बहुत अच्छी बनाती हैं ये रेसिपी, कोफ्ता मटर बिरयानी। सो लेयरिंग करेंगे, एंड मम्मी जो कोफ्ता बनाती है वो थोड़े छोटे छोटे बनाती है, बट यू नो कि अभी टाइम भी कम था और यहाँ पे मैंने जो मटन क़ीमा एक बार मंगाया था उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो मैंने इस बार बोनलेस मटन मंगा के उसे ग्राइंड किया तो वो थोड़ा सा स्टिकी हो गया, तो कोफ्ता बनने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो मैंने इसलिए थोड़े से बड़े बनाए। सो एक लेयर और लगाएंगे इसके ऊपर, तो बेसिकली मैं तीन लेयरिंग करूँगी 1 kg बिरयानी में। सो सेम प्रोसेस करनी है हमें नाउ अगेन। सो मैं कह रही थी मम्मी जो मेरे कोफ्ते बनाती है वो बहुत ही स्मॉल, जस्ट लाइक मटर से थोड़ा सा साइज बड़ा, तो वो और अच्छा दिखता है दिखने में भी। देखें तो इस तरीके से थोड़ा सा फैलाएंगे इसको अच्छे से, एंड देन अगेन राइस। तो राइस भी देखिए कितना खिला खिला सा है, स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी। सो बिरयानी में राइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इट शुड बी गुड क्वालिटी ऑफ बासमती राइस। नाउ अगेन घी डाला मैंने, देन कलर डाला, एंड अगेन कोफ्ता एंड मटर, एंड जो बचा हुआ राइस था वो डाल दिया। सो देखिए तीन लेयर लगी हैं, सो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये दिखने में भी, एंड बिलीव मी खाने में उतना ही डिलीशियस है। यू जस्ट नीड अ रायता और सैलड, दैट्स इट। सो फाइनल थोड़ा सा और घी डालेंगे इसके ऊपर, एंड कवर करेंगे 5 मिनट हाई फ्लेम एंड अराउंड 15 से 16 मिनट लो फ्लेम पर, इसे हम दम पे लगाएंगे। देखें, वाओ, सी, सो कोफ्ता मटर बिरयानी इज रेडी टू सर्व। सो ट्राई करें फटाफट से ये डिफरेंट सी बिरयानी रेसिपी। देखें, सो मैंने पहले भी बताया बिरयानी को निकालने का तरीका कि आपको इसे साइड से इस तरीके से निकालना है, आपको सारी चीज़ें मिक्स नहीं करनी है, क्योंकि लेयरिंग वाली बिरयानी हमें इसी तरीके से निकालनी होती है, सो दैट सारी लेयर्स निकल आए। सो फटाफट से सर्व करें गर्मा गर्म, एंड ट्राई करें ये अमेजिंग सी रेसिपी, एंड ऑल्सो कॉमेंट कि ये कोफ्ता मटर बिरयानी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।